लिए जिस वेस्ट ढोलक मास्टर को चुना गया है उनकी कलाओं को देखते हुए हरी मंडल के विकास भाई नागराज मंडल राजा पचौरी वेस्ट ढोलक मास्टर भाई विकास जी और भाई राजा पचौरी ये दोनों सज्जन आजा ये दोनों ढोलक मास्टर वेस्ट ढोलक मास्टर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। इनको यहां से इस मंच से पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। भाई राजा पचौरी और भाई विकास जी ये दोनों बड़ी सुंदर ढोलक का वादन करके अपनी उंगलियों को ढोलक के दोनों तरफ फिर करा करके और बड़ी सुंदर वाद्य यंत्र का निनाद किया है जिसको जिस ढोलक वादन के द्वारा भजन मंडली की पूरी जान होती ढोलक पर। इसलिए ढोलक वाले की बड़ी विशेष मेहनत होती है। इन दोनों सज्जनों को यहां से सम्मानित किया जा रहा विकास जी और राजा पचौरी। वेस्ट डांसर के लिए वेस्ट डांसर में हरि मंडल रणहाल के जो मदन भाई हैं उनको बड़े सम्मान के साथ यहां आमंत्रित किए जा रहे हैं। हरि मंडल रणहाल के जो मदन भाई हैं वो बेस्ट डांसर के लिए चुने गए हैं। उनका सिलेक्शन हुआ है। उनको ही वेस्ट डांसर के रूप में इस मंच से सम्मानित किया जाएगा। और आवाज मत करो रे पोरे और इनके साथ नागराज मंडल इटारसी के जो नवाब भाई हैं मदन भाई और नवाब भाई दो बेस्ट डांसर चुने गए हैं। वो दोनों हजार नवाब भाई एवं मदन भाई रणहाल के और जो हमारा नागराज मंडल के नवाब भाई है ना इन दो बेस्ट डांसर को सिलेक्ट किए गए हैं। उनको इस मंच से बड़े सम्मान के साथ पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। वे अजा है हाँ ये दोनों दोनों वेस्ट डांसरों का सम्मान करें भाई साहब। तिलक कुमकुम चंदन अक्षत पुष्पहार और उनके लिए दिए जा रही जो भी एक समर्पित मुद्राएं लिफाफे में पैक करें। तालियां ये तालियों में देखो हम लोग गिने चुने लोग तो हैं लेकिन हम भी मेहनत से ताली बजाएं तो और अच्छा समा बनेगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोनों डांसरों का बड़े सम्मान के साथ देखो बहुत बढ़िया सम्मानित किए जा रहे हैं। उनको बड़े सुंदर पीले रंग के लिफाफे समर्पित करते हुए और बड़ा अच्छा लग रहा है। सुंदर नवीन पुष्पों के हार उनके गले को सजाते हुए और बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब आगे धीरे धीरे बढ़े बेस्ट गायक कलाकार इस मंच से बेस्ट गायक कलाकार के लिए जिस हस्ती को चुना है जिस
सुमधुर गायक, बड़ी अच्छी कलाओं के साथ जिन्होंने इस मंच पर गायन कला का एक अपना अनूठा प्रदर्शन किया है, उस भाग्यशाली गायक कलाकार का नाम यहां से बड़े सम्मान के साथ ले रहा हूं, श्रीमान महेश भाई नागराज मंडल इटारसी। महेश भाई नागराज मंडल इटारसी बेस्ट गायक कलाकार के लिए, जो कि पहले से ही हमारे पंपलेट में ये उल्लेख है, बेस्ट गायक जिसका रुपया 1100 अर्पित जी यादव महाकाल किराना जनरल स्टोर ग्राम बुधवाड़ा के सौजन्य से ये दिया जा रहा। विकास भाई बेस्ट ढोलक मास्टर, विकास भाई जो हरिमंडल रंडाल में बजा रहे थे, आ जाए या उनके कोई प्रतिनिधि उनकी जगह पर, उनके कोई प्रतिनिधि आकर के ये पुरस्कार प्राप्त कर ले विकास भाई साहब का। आइए और ये जो गुड़िया बालिका यहां विराजमान है मंच पर, बबली यादव बालिका, मैं बबली बालिका के चरणों में प्रणाम करते हूं, क्योंकि ये वो देवी स्वरूप है जिन्होंने पुरुषों के समाज में बड़ी सुंदर गायन कला करके हमारे महिला वर्ग को और समूचे श्रोता समाज को भरपूर आनंद प्रदान करने का प्रयास किया है। ऐसी बालिका बबली यादव का बहुत तहे दिल से और पूरी समिति की ओर से एक सम्मान किया जा रहा है। बालिका बबली यादव का सम्मान पुष्प गुच्छ उनको भेंट करके और उनके चरण स्पर्श करके उनको यहां सम्मान करें भाई साहब, श्रीमान राजा भाई साहब। बालिका बबली यादव जिन्होंने अपने चूरना जिस स्थान का नाम है बाल गोपाल बालिका भजन मंडल चूरना है ना, श्री ढाना चूरना, हाँ वो थोड़ा सा नाम आपका गांव का और आपके मंडल का नाम बड़ा अभी क्या है थोड़ा हैबिट्स में नहीं है जी। हाँ अब निर्णायक समिति और हमारे मंच संचालन का कार्य संभालने वाले परम आदरणीय कन्या का बालिका का, अच्छा चलो अच्छा मेहमान, हाँ ये थोड़ा सा ये श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं इधर भाई साहब। अब निर्णायक समिति प्लस मंच संचालन का सम्मान किया जा रहा है ना, तो निर्णायक समिति में बिन जिन चार महान हस्तियों के नाम है जो जज की भूमिका यहां अदा कर रहे थे, जिन्होंने बड़ा निष्पक्ष न्यायप्रिय निर्णय निकाल करके और एक अभूतपूर्व अपने विवेक का परिचय दिया है, ऐसे परम आदरणीय श्रीमान श्री महेश शर्मा जी, परम आदरणीय श्रीमान मंगल प्रसाद कजोड़िया जी, परम आदरणीय हमारे अपने अभिन्न मित्र श्रीमान ओम प्रकाश जी यदुवंशी थुआ वाले और हमारे ही बहुत अच्छे साथी मित्र श्रीमान विनोद रघुवंशी सीनी मालवा, ये चार महान हस्ती निर्णायक समिति में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे और साथ ही इस मंच का कुशल संचालन का कार्य जिनके जिम्मे था, जिन्होंने अपनी सुंदर वाणी के द्वारा अपनी बुलंद आवाज के द्वारा और समय समय पर प्रसंगानुसार अपने शेरशाही के द्वारा श्रोता समाज को जो आनंद विभोर करने का प्रयास किया है, ऐसे मेरे अपने भाई अभिन्न मित्र परम आदरणीय श्री शीतल जी चौधरी साहब भी रखेड़ी वाले, जिन्होंने कुशल मन संचालन का कार्य संभाला। इन पांचों हस्तियों का सम्मान यहाँ किया जाएगा, इसके बाद जो है हम भजन मंडलों को पुरस्कृत करेंगे। आइए हाँ परमाननीय
श्रीमान विनोद रघुवंशी जी सिवनी मालवा का सम्मान करें। सम्माननीय सबसे पहले श्रीमान विनोद जी रघुवंशी जी सिवनी मालवा से मैं निवेदन करूंगा कि वे यहां पर कुर्सी पर विराजमान हो। आपका सम्मान तिलक चंदन अक्षत कुमकुम से सम्मानित और किया जा रहा है। बहुत अच्छी आपके पास एक कुशल सूझबूझ और वाणी का भी एक जादू है इनके पास और इस साहित्य संग्रह भी इनके पास, जिन्होंने निर्णय समिति में एक अहम जिम्मेदारी संभालते हुए और भव्य भजन प्रतियोगिता के निर्णायक समिति में अपनी भूमिका अदा की, इनको सम्मान किया गया। परम सम्मानी हमारे अभिन्न मित्र श्रीमान भाई साहब श्री ओम प्रकाश जी यदुवंशी थुआ वाले, जिन्होंने इस बुधवाड़ा के मंच पर लगातार दो रात हो गए यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके एक लंबी बैठक यहां पर करते हुए और अपने बुद्धि विवेक से श्रीमान राम दुलारे जी सरपंच साहब के करकमलों से आपको सम्मानित किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तालियों की कर्तन ध्वनि करें और सम्मानी हमारे ओम प्रकाश जी यदुवंशी जी थुआ वालों का एक बहुत ही भाव भरा सम्मान। श्रीमान मंगल प्रसाद जी कजोड़िया जिनका सम्मान, जिनका परम आदरणीय भूतपूर्व सरपंच साहब महेश भाई साहब जी के करकमलों से हमारे मंगल सिंह दादा का सम्मान किया जा रहा है। एक ये काफी लंबी उम्र जिनकी, जिनका अपना अनुभव अलग है गायन कला के क्षेत्र में, राम सत्ता के क्षेत्र में, साजबाज आवाज के क्षेत्र में ये बहुत कुछ जानते हैं, जिन्होंने अपने यहां पर इस मंच पर विराजमान होकर के निर्णायक समिति में जिस कार्य की जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी होती इस कार्यक्रम में, वो निभाया है। इनको माला चंदन अक्षत कुमकुम और कुछ भारतीय मुद्राएं समर्पित की जा रही है। भूतपूर्व हमारे श्रीमान महेश जी यादव साहब के द्वारा और अब आदरणीय हमारे आदरणीय परम सम्माननीय श्री शीतल जी चौधरी साहब पीलाखेड़ी वाले, उनसे मैं निवेदन करूं कि वे मंच में आए और अपने कुशल मंच संचालन का कार्य जिनके जिम्मे में था, जिन्होंने बखूबी निभाया और एक लंबी पारी खेल करके यहां लंबी बैठक बैठकर जिन्होंने माइक के माध्यम से समय समय पर सब जनता जनार्दन को श्रीमान बलदेव जी यादव साहब बुधवाड़ा वालों के करकमलों से, सम्माननीय शीतल जी चौधरी भीलाखेड़ी वालों का सम्मान किया जा रहा। मंच संचालन के कार्य को बखूबी अच्छी तरह निभाया और अपनी बुलंद आवाज से सबको सराबोर करने का प्रयास किया, आनंद विभोर करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद करतल ध्वनि करके बहुत ही सुंदर परमादरणीय चौधरी साहब का सम्मान। इसी क्रम में इस कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम के विशेष सहयोगी एवं हमारे मार्गदर्शक परम सम्मानीय श्री चंपालाल जी गौर साहब, इनका सम्मान करें, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। हमारे राजा भैया से निवेदन करूंगा कि परम सम्मानीय श्री चंपालाल जी गौर साहब का सम्मान करें। जोरदार ताली बजाएं। इस विराट राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता पावन ग्राम बुधवाड़ा में जिन्होंने अपना अनमोल समय दिया, उस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारी छोटी बहन बबली यादव, श्री बाल गोपाल बालिका भजन मंडल श्री थाना चूरना, मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। हमारे परम सम्माननीय
श्री सुखराम जी यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी बहन का सम्मान करें जिन्होंने अपना अनमोल समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जोरदार ताली बजाएं। एक बात और कहना चाहूंगा, अधिकतर समिति भजन मंडल जो प्रतियोगिता करवाती है, आपने अधिकतर देखा होगा पंपलेट में नाम दिया जाता है, इस कार्यक्रम के निर्णायक कौन है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक शायद एक आधी समिति होगी वो निर्णायक का कहना मानती हो, पूर्ण तरीके से निर्णायक के दिए गए निर्देशों का पालन करती हो। कई जगह स्थिति यह बनती है निर्णायकों के नाम दिए जाते हैं और आयोजक समिति स्वयं निर्णय करती है और बदनाम निर्णायक हो जाते हैं, कई जगह ये देखने को मिला गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक निर्णय तो सही आयोजक समिति ही करती है, क्योंकि जिन्होंने तन मन धन देकर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, और निर्णय यही होना चाहिए समिति के सारे सदस्य सहमत हो निर्णय में, वो निर्णय उचित है मेरे हिसाब से। कुछ स्थिति आज यहां भी बनी, 19-20 निर्णय गया निर्णायक समिति के द्वारा, दोनों में बैठक हुई, दोनों की सहमति प्रदान हुई, जो आज यहां निर्णय निकला। एक बार समिति और निर्णायकों के लिए जोरदार ताली बजाएं। दो ग्रुप बनाए गए हैं इस विशाल रामसत्ता भजन प्रतियोगिता बुधवाड़ा में, जिसमें बी ग्रुप में लिया गया है श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरोटा, श्री श्याम भजन मंडल आयपा, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री योगीराज भजन मंडल नहरगोला कला और श्री बालाजी भजन मंडल पचामा जिला बैतूल। पांचों मंडलों के गायक कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर खड़े हो जाएं। श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरोटा, श्री श्याम भजन मंडल आयपा, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री योगीराज भजन मंडल नहरगोला कला और श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाड़र जिला बैतूल। बी ग्रुप में जिन मंडलों को लिया गया है आयोजक समिति के द्वारा, 7,000 रुपए की राशि बी ग्रुप के मंडलों को यहां से प्रदान की जा रही है। एक बार जोरदार समिति के लिए ताली बजाएं। हमारे परम सम्माननीय श्री भंगूलाल यादव जी से निवेदन करूंगा कि गायक कलाकारों का जो बी ग्रुप में आए हैं उनका सम्मान करें। श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाड़र जिला बैतूल के गायक कलाकार से निवेदन है अति शीघ्र आए। जोरदार ताली बजाएं।
जिन मंडलों को एक रूप में लिया गया है इस विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता पावन ग्राम बुधवाड़ा में श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, श्री नागराज मंडल बालाजी मंदिर इटारसी और मां वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी, चारों गायक कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो स्थान पर खड़े हो जाएं। एक ग्रुप के मंडलों को, प्रत्येक मंडलों को 11,000 रुपए की राशि यहां से प्रदान की जा रही है। एक बार समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे परम सम्मानीय मंगल प्रसाद राजौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी गायक कलाकारों का सम्मान करें जिन्होंने इस विराट भजन प्रतियोगिता में एक रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, श्री नागराज मंडल बालाजी मंदिर इटारसी और श्री मां वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी पिपरिया। चाहे निर्णायक समिति हो चाहे आयोजक समिति हो, कोई भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता इस संसार में। मैन कैन नॉट ग्लैड एवरीवन। वाह, सफल आयोजन की बधाई। Gracias.